हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स जो हॉस्पिटल में थी फर्स्ट तो उसमें क्या किया था उन्होंने कि मतलब तो हॉस्पिटल में ही दो तीन थी उनकी जो डाइटिशियंस थी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मतलब डेढ़ घंटे की वन पॉइंट थर्टी मिनट की ये अपॉइंटमेंट थी और हमें कंप्यूटर पे लॉगिन वगैरह करना था वही मैं अभी कर रही हूँ तो मुझे भूख भी उस वक्त बहुत ज़्यादा लग चुकी थी मेरा टाइम हो गया था खाना खाने का तो इसलिए मैंने साथ में ब्रेड और ये थोड़े से आ, काबली छोले हैं उस पर मैंने ना ये क्यूब्स जो हैं ऊपर पड़ी हुई हैं सॉरी नॉट क्यूब्स लाइक अ बॉल्स काइंड ऑफ थिंग दे आर लेमन और साथ में थोड़े से ऑलिव्स एंड टमेटोस मैंने ले लिए थे और मैं खाई जा रही थी और उन्हें सुने जा रही थी तो इस अपॉइंटमेंट में उन्होंने क्या करना था सारी की सारी नॉलेज हमें देनी थी कि हमें अपनी टेक केयर कैसे करनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है एवरी एंड ईच थिंग वट एवर दे न्यू लाइक अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट्स और वो वेबसाइट्स भी उन्होंने हमें प्रोवाइड करा दी थी ताकि हम पढ़ सकें उससे अच्छे से तो वो भी हमने चलो किया है ना मैंने पढ़ लिया था काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी उसमें प्रोटीन कैसे लेने हैं काब्स कैसे लेने हैं आपको एक्टिव कितना रहना है ऐसे करके सारी की सारी जो होती है ना एक नॉर्मल हमारी ज़िंदगी के साथ भी कि हमें कैसे करना है तो उसके लिए भी अच्छी वो नॉलेज थी वैसे तो ऐसे ही बस मैं यहाँ पे लॉग इन ही कर रही हूँ अभी ट्राई टू फाइंड आउट उन्होंने मुझे लिंक वगैरह भेजे थे तो फिर हमने ज्वाइन कर लिया था कोई एटलीस्ट आठ नौ लेडीज़ होंगी जिन्होंने उन्हें ज्वाइन किया हुआ था और वो वन ऑफ द डाइटिशियन वन बाई वन वो जो आके ना हमारे साथ बातें करी जा रही थी और फिर उन्होंने हमें पूछा था कि आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आपके स्पीकर्स वग़ैरह उन्होंने आप मतलब बात कर सकती हैं एंड इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस कि आप घर पे ही आराम से देख लो सुन लो कि क्या कह रहे हैं वो तो ये किया मैंने अपना ये वाला जो दिन है इसमें ये आपके साथ शेयर करना था अच्छा जी तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूं और वो है ये बैग और जब मेरी जो जीपी है उसने मुझे रेफरल कर दिया था हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया था तो मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने मेरी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी की सारी इकट्ठी करनी थी उस दिन तो वो आ, करके उसके बाद जब मैं वापस आना था मुझे तो उन्होंने मुझे ये बैग दिया था यहाँ पे ना ये बैग देते हैं इसमें मोस्टली जो बेबी से रिलेटेड सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना उनके अलग अलग कंपनीज़ के सैंपल्स होते हैं जैसे ये नैपीज के सैंपल्स हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती हैं जैसे सडो क्रीम है और ये जब बच्चे को रैशेस वगैरह हो जाते हैं ना नैपी से तब लगाते हैं थोड़ी सी उसकी बॉटम्स पे तो उसके साथ ही ये है प्रेगनेंसी के लिए जो स्ट्रेस अपने हो जाते हैं ना मार् uh, मार्क्स हो जाते हैं स्ट्रैच मार्क्स उसके लिए और दिस इज़ बम्प टू बर्थ इसमें ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन वीक बाय वीक है और उसके अलावा इसमें बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है हम बच्चे के बारे में कि हमें उस कैसी टेक केयर करनी है एंड दिस वाज़ द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग इन दिस लाइक यू नो बुक कि बच्चे के फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक जब होता है ना प्रेगनेंसी का तब तक बच्चे की ग्रोथ वो कैसा फील कर रहा है क्या कर रहा है कितना ग्रो हुआ है ये सारा कुछ इसमें लिखा होता है तो वो पढ़ के बड़ा ही ज़्यादा आपको ना मज़ास आता है कि क्या यार आपको सारा पता चल रहा होता है कि अब इस वीक में अभी बच्चे ने सुनना शुरू कर दिया है इस वीक में उसको थोड़ी थोड़ी इवन के लाइट भी दिखानी दे दिखाई देनी शुरू हो गई है तो बहुत सारा ना इंफॉर्मेशन होता है इसमें तो दिस इज़ लाइक एवरी एंड ईच थिंग हमें सोना कैसे है और बच्चे के मोमेंट्स एवरीथिंग बहुत सारी नॉलेज इन वर्शप्स में होती है और दे आर वेरी 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 यूज़फुल तो ये है जी मॉर्निंग की क्लिप तो मेरी जो बेटी है वो पढ़ रही है अपनी आ, वैसे उसने लाइब्रेरी से बुक लेके आई थी स्कूल की लाइब्रेरी से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो जोर दिया जाता है कि बच्चों को जो है रीडिंग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जरूरी जरूरी करवाई जाए तो मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि रोज़ ही ना वो थोड़ा चाहे पढ़े मगर वो रीडिंग जरूर करे डज़ेंट मैटर कि वो कौन सी बुक पढ़ रही है आई मीन टू से स्कूल की है या लाइब्रेरी अच्छा जी अब करेंगे पैक हम बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और ये मैं धीरे धीरे इसे थोड़ा सा रिवॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बच्चे ना मतलब जो ब्रेड्स होते हैं या फिर जो भी हमारे यू नो हॉट डॉग्स या कुछ भी है ना ऐसी जो भी मैदे वाली चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा लग जाते हैं हम कोई भी बंदे ना हमको ज़्यादा वही टेस्ट लग जाता है और अभी मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ना उनकी जो खुराक है उसको चेंज करूँ ऑनेस्टली ये कोई बहुत अच्छा नहीं है कि एक ही चीज़ हम बच्चे जो है वो खाते रहते हैं तो बस अभी तो मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको आ, होगा इसमें ये सारा कुछ तो मैं स्लोली स्लोली कोशिश करूंगी कि इनकी जो डाइट है ना वो चेंज होती जाए और जैसे ही वो थोड़ा सा जैसे ही वो चेंज हो रही होगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी साथ साथ में तो फंसी हैं और अपना जो जैसी जी चीज़ें खानी है ना यहाँ वाली तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करके खानी है मगर जो हमारी जैसे इंडियन चीज़ें हैं वो जो है वो मतलब उनसे मुँह ऐसे करते हैं कि थोड़ा हमें ना दो हमें नहीं खानी है तो बस मेरी कोशिश है कि मैं ना इनका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर जो है चेंज कर दूँ टेस्ट चेंज कर दूँ मगर अभी के लिए जो है अभी ये मेरे मन में चल रहा है कि मैं धीरे धीरे ये सारा कुछ चेंज करूँगी अच्छा जी तो ये है सलामी और ये हॉट सलामी है और इसको मैंने इसलिए सिर्फ इसी को लगाया क्योंकि उन्हें इसके साथ चीज़ भी पसंद नहीं है अदरवाइज़ चीज़ जो है वो इसका फ्लेवर इसके साथ अच्छा लगता है और मतलब अभी इसमें थोड़ी सी चेंजेस और और करूँगी धीरे धीरे क्योंकि ग्रीन से वो वह भागते हैं एवरी से तो थोड़ा थोड़ा मैंने उनका ब्रेन बना लिया है और थोड़ा थोड़ा आगे धीरे धीरे वर्क होगा ताकि वो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके हालांकि इतनी बैड नहीं है मगर फिर भी मुझे है कि अच्छी हो जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट ना हो जाएं ये ब्रेड्स के और हर चीज़ के तो यहाँ पे बस मैं इन्हें सेंटर से काटूँगी और उसके बाद हमारे पास जो अगर आप ये बॉक्स देख रहे हैं ना ये स्टेनलेस स्टील का है और ये बेंटो बॉक्सेस हैं एंड दे आर वेरी वेरी लाइक हैंडी दे आर गुड तो बस इसी में मैं डाल दूँगी इसको इसके साथ ही ये सीडलेस हैं हमारे पास ग्रेप्स तो ये ग्रेप्स जो है इसी ना इसी बॉक्स की वजह से एटलीस्ट एक टाइम का जो उनका अच्छा मील जो है ना इसमें डल जाता है तो धीरे धीरे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको हम कर देंगे बिल्कुल ही मतलब बहुत जो ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा अच्छी होना जो मुझे लगे कि हाँ ज़्यादा जो हिस्सा है वो इनका इनके लिए प्रोटीन है और जहाँ फिर ग्रीनस हैं और जो कब है वो थोड़ा है तो वहाँ पे मेरी पूरी सेटिस्फेक्शन जो है ना वो अच्छी हो जाएगी तो जो एक है वो तो अभी उसने ले कर जाना शुरू कर दिया है जैसे क्यूकम्बर है और इसे ले जाएगी और साथ में ये ना बॉकोचीनी है ये काइंड ऑफ चीज़ है और इसका फ्लेवर हमारी एक ना देसी चीज़ है उसके जैसा है अभी मुझे उसका नाम नहीं पता चलता तो क्या है कि ये है चीज़ मगर ये अगर आपने वो चीज़ खाई हो जब आप दही निकालते हो उसके बाद लस्सी होती है और लस्सी में से एक निकल जाता है क्या कहते हैं से बटर निकल जाता है उसके बाद एक चीज़ बचती है तो वो एक फ़्लेवर होता है आ, लस्सी में जो बिल्कुल घर की प्योर लस्सी होती है ना उसमें तो उसको उसका बस ये वही फ्लेवर है उसी चीज़ का तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ चेरी टमेटो डाला है उसमें ताकि वो आ, हो सकता उसका फ्लेवर वो पकड़ ले और फिर इसे भी खाना शुरू कर दे साथ में मैंने थोड़े थोड़े डोलीटोज़ दे दिए हैं उनको क्योंकि डोलीटोज़ चलो थोड़ा सा एक क्रैकर हो जाता है आ, फ्रूट के साथ अगर क्योंकि एक ने तो आ, ले लिए थे अपना जो है ब्रोकोचीनी उसे अच्छी लगती है और साथ में वो की खा लेती है उसके मगर जो दूसरी है वो नहीं खाती ये सारा कुछ तो अभी उसको हम अभी धीरे धीरे उसका अभी सिस्टम सेट होगा तो अभी के लिए मैंने उसको ये डोरिटोस दे दिए हैं और साथ में ये है प्रोबायोटिक मिल्क और ये मैंने दे दूँगी और इसके साथ ही ये है जी अपना माइल सलामी है इसके साथ क्रैकर्स हैं इसके साथ चीज़ है और जैसा ऐसा ये कुछ पैक होगा और ये सेकंड ब्रेक के लिए वो ले जाएंगे अभी मुझे ये समझने लगती इसमें चीज़ है और ये चीज़ खा लेंगे मगर अगर मैं चीज़ लगा के दूँ एक ब्रेड में तो वहाँ पे कहेंगे नहीं हमें यह नहीं खाना है ये फंडा मुझे कोई समझ नहीं आया तो यहाँ पे एप्पल एक रख दिया मैंने तो कुल मिला के ये ना बड़ी नॉर्मल सी डाइट है मगर इसको क्या नाम लेते हैं दिन में ना उनका पेट भरा रहे, रहेगा क्योंकि तीन टाइम वो उन्होंने खाना होता है स्कूल में तो जब जाते हैं तब खाना होता है जब वहाँ पे आ, पहली ब्रेक होती है तब खाना होता है दूसरी ब्रेक होती है तब खाना होता है तो उसके लिए नफ फूड जो है वो चाहिए बच्चों के लिए तो ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया था मैंने सोचा जी मैं पैक कर रही हूँ तो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ अच्छा जी तो फिर हम चले गए थे आइकिया वहाँ पे मैंने ले रखी थी अपॉइंटमेंट तो वहाँ पे हम डिज़ाइन बना रहे थे जैसी हमें हमारी किचन की रियनोवेशन करनी है पेंट्री की हमने ऑलरेडी करी है और लिविंग एरिया में थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं तो ऐसे सारी जगह पे ना कोई ना कोई रेनोवेशन चल रही हैं तो फिर मैं बस यहाँ की जो किचन है वहाँ पे आके मैं इनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो भी इन्होंने चीज़ें लगा रखी है ना क्योंकि हमें तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए तो फिर मैं वो देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ मुझे चाहिए तो थोड़ा बहुत तो हम सामान साथ, साथ में बाय कर रहे हैं और बाकी हम तब करेंगे जब हमारी किचन जो है वो थोड़ी सी रेडी हो जाएगी तब हमें पता चल जाएगा कि अभी हमें क्या चीज़ चाहिए और इसके अलावा हम ये देख रहे थे हमें अच्छी लगी अपने लिविंग एरिए के लिए तो लेट्स सी इट इन फ्यूचर और नॉट और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर ली हूँ अपने अगले दिन की मॉर्निंग और साथ में मैंने ले ली है अपनी जो भी ग्रीनस वग़ैरह डाल के बेरीज़ वगैरह डाल के मैं डालती हूँ ना अपने ड्रिंक में वो और ये है प्रोटीन सॉरी ये है आ, अपना पीनट बटर तो इसमें ना ये सिक्सटी परसेंट प्योर प्रोटीन है और ऐसी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं लो जी आई है और ये मैं मोस्टली दिखाती रहती हूँ क्योंकि मैं ये थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा मगर एप्पल के साथ मुझे ये इसका फ़्लेवर अच्छा लग रहा है मैं टेस्ट मुझे पहले इसका टेस्ट बहुत फीका सा लगा था क्योंकि मैं यूज टू सी कोई और नॉर्मल वाला पीनट बटर खाने को मगर ये बहुत काइंड ऑफ हाई एंड यू नो लाइक पीनट बटर है तो जितनी भी चीज़ें न्यूजीलैंड से आती है ना वो मोस्टली बहुत हाई एंड है यहाँ पे तो न्यूज़ीलैंड का एक अपना ना मतलब एक, एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है खाने की जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें तो ये रहेगा हमारा जो ब्रेकफास्ट है तो वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एप्पल है साथ में थोड़ा सा पीनट बटर लेती हूँ और कभी कबार मैं पीनट बटर ना अभी अपने ब्रेड पे भी लगा लेती हूँ तो साथ में मैंने टू एग्स लिए हैं जिसमें से मैं सिर्फ टू वाइट एग्स खाऊंगी और जो येलो है वो हमें फेंकना पड़ेगा क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सट्रीम काब्ज नहीं खाने हैं तो और ये मेरे फेवरेट ब्रेड हैं ये मैंने तवे पर गर्म कर लिया है इसमें कुछ भी नहीं लगाया अगर मैं चाहूँ वैसे मैं बटर लगा सकती हूँ इसमें क्योंकि जो स्प्रेड होता है क्योंकि उसमें कोई जीरो पॉइंट समथिंग लाइक टू या थ्री इतनी काव है लगा सकती हूँ मगर मैंने वो भी नहीं लगाए हैं इसमें जब मैं एवोकाडो लगा सकती हूँ तो बस इसके साथ ही मैं अपने एग्स जो हैं वो खा लूँगी एग्स को ना बस ऊपर ऊपर से काट लेती हूँ फिर वो जो उसमें जो है येलो यॉक वगैरह वो, वो सीधी से सीधी ही निकल आती है और इस इनको इसके ऊपर रख के ब्लैक पेपर और जो है अपना सॉल्ट वो उस पर डाल के आप बस मतलब खा लो इट्स अ गुड फीलिंग और लॉन्ग टर्म फीलिंग खाना है तो ऐसे करती हूँ मैं कि एक आध अगर मेरा फ्लेवर के लिए दिल करे तो बीच में रह देती हूँ रहने देती हूँ अदरवाइज़ सारी निकाल देती हूँ डिपेंड्स लाइक यू नो आपका कभी कभार दिल कर रहा होता है खाने को कभी कभार नहीं कर रहा होता है तो डिपेंड्स मगर जो मेन चीज़ है वो यही रह रही है कि जो आ, एग हैं वो हैं और साथ में है हमारे पास एप्पल और पीनट बटर जो हमारा ब्रेड है वो भी मैं कभी कभार स्किप कर देती हूँ जो कि नहीं करना चाहिए कभी कबार हाफ कर देती हूँ तो बस ऐसे करके ये दिन जो है ना जा रहे हैं अच्छा जी तो इंडिया से हमें बोला गया था कि जो मेरे हस्बैंड के हैं ब्रदर छोटा उनके बेटी के लिए ना कोई आ, मतलब शू वगैरह भेजें जो मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइट हो और वो डाल के और वो जो स्ट्रॉलर में बहुत ज़्यादा भागती है तो वो अपने पाँव आगे से शील लेती है तो वो ना हो पाए मगर इतने सारा इतना लाइट वेट हो कि मतलब उसे बिल्कुल बॉडर ना करें तो ये मैं थोड़े से लेके आई थी आ, उसके लिए मुझे बड़े ही प्यारे क्यूट क्यूट से लगे थे मगर अच्छी बात ये हुई कि वो मिल गए हमें उस साइज़ के क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी तो ये एक कलर है मीठा सा तो ये है शू वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी छोटी सी शॉपिंग तो एक ये कलर है और एक ब्लू कलर है और आई डोंट माइंड लाइक यू नो द कलर्स यू नो थिंग मगर ये बहुत प्यारे लग रहे थे मैंने उसकी जो मॉम है उसको दिखाए थे वीडियो कॉल पे तो उसको भी पसंद थे तो फिर मैंने बस जैसे बच्चों का बस देखने के लिए ले लिए जी सारी चीज़ें और एक ये शू हैं ये आगे से थोड़े से सख्त हैं ताकि उसके पाँव जी वो ख़राब ना हो और एक ये मुझे वैसे ही प्यारा लगा था मैंने सोचा चलो इट्स ओके ये वो नहीं है कि प्ले ही करे कहीं पे अगर उसे जाना हो तो भी वो आ, डाले क्योंकि वहाँ पे वेदर जो है नॉर्मल है यहाँ विंटर है नहीं तो ये मैंने पेयर जो है बड़ा ले लिया था ताकि वो विंटर में भी डाल सके तो साथ में वो दो ट्यूब्स हैं जब उसे कहते हैं कि मॉस्किटोज़ वगैरह काटते हैं कुछ ऐसी क्रीम वगैरह भेज दो तो वो हैं दो तो वो मैंने लेके उसमें डाल दी थी और बस जी ये थोड़ा सा थोड़ा सा और सामान था वो मैंने वहाँ पे भेज दिया था तो बस यहाँ पे ही आज एंड करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड आई सी यू विद अनदर वीडियो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आ, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना कमेंट करना लाइक करना बाय बाय सी यू विद अनदर वीडियो